है फेल है। अभी मौजूदा जो मामला है बाबा सिद्दीकी की हत्या का, विजयदशमी के दिन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, जिनका बेटा खुद मौजूदा एमएलए है, सत्ता पक्ष के नेता थे, ऐसा नहीं विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी और उनकी सरेआम हत्या कर दी गई, बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या कर दी गई सरेआम। दिल्ली के अंदर एक जिम के मालिक की हत्या कर दी गई। देश के अलग अलग जगहों पे तमाम आपराधिक घटनाओं का करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। पूरे देश में अपना गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर संचालित कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम धमकी देता है, फिर मर्डर हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दिल्ली में जहां केंद्र सरकार बैठी हुई है, जहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, यहां पर जीके में एक जिम मालिक की हत्या हो गई, उसमें भी बिश्नोई गैंग का नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम, सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम, करणी सेना के अध्यक्ष के हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। और वो व्यक्ति है कहां पे? गुजरात के अंदर, गुजरात की जेल से पूरे देश में गैंग को संचालित कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, भाजपा की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। इतना ही नहीं, मैं ये सारे ट्वीट्स लेके आया हूं, तमाम बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्होंने, जो बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, ऐसे लोग जिनको देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसी घटनाओं पर निंदा आलोचना करने के बजाय इसके पक्ष में लिख रहे हैं।